नगर को पेयजल आपूर्ति करने वाले स्थापित जल संस्थान के सामने पार्किंग बनने पर अधिशासी अभियंता द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के सामने पार्किंग बनने से जल संस्थान में गंदगी होने के साथ ही पेयजल टैंकरों में पानी भरने और उन्हें खड़ा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। बहुत पुराना पंप हाउस है, अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ पंप हाउस है ये। पहले जो है ये पार्किंग हमारे पास ही थी, इस तरफ हमारी बिल्डिंग हुआ करती थी नाले के इस तरफ। अभी नाले की कवरिंग हुई रिसेंटली, तो हमने यही बात की है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है पार्किंग का, कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप गाड़ी खड़ी करें, लेकिन हमारे विभाग की जो गाड़ियाँ हैं उसको भी एक जगह दे खड़ी करने की। और शिकायत बीच में ये भी आई इनकी कि जो इनके स्टाफ है वो अनावश्यक अनाधिकृत रूप से हमारे कैंपस में घुस के प्रवेश कर रहे हैं, टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इनको स्पष्ट कहा है आप यह है टॉयलेट मत यूज़ करिए, ये हमारे कर्मचारियों के लिए है, बाहर का कोई व्यक्ति ना है। क्योंकि देखिए कल को ये भी डर है, क्योंकि यहाँ से पूरे शहर को पेयजल सप्लाई होती है, तो यहाँ पे ये भी डर है कि ये पेयजल को दूषित ना कर दें, इसलिए हमने इनको कहा है कि आप यहाँ से अपने स्टाफ को बाहर निकालिए। तो इनका आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर पालिका से संबंध में ये साहब नए अभी चेंज हुए हैं तो इस संबंध में उनसे बात की जाएगी। पुराने ये साहब को हमने बताया था, उन्होंने यही कहा था, वो भी मौके पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जल संस्थान को आप जितनी गाड़ियाँ उनको खड़ी करनी है उतनी उनको जगह दें। तो इस संबंध में नगर पालिका ये साहब से बात करेंगे और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो डीएम साहब से बात।